शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एक बार फिर धमकी मिली है। पत्र में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी के बाद शिक्षा मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है वहां पर। सुरक्षा बढ़ाई गई है शिक्षा मंत्री के आवास की। सहयोगी शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, एक बार फिर से देखिए, शिक्षा मंत्री को धमकी मिली है और अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनके आवास की। जी हाँ, बिल्कुल, ये धमकी कल शाम में प्राप्त हुई है रजिस्टर्ड कोर्ट से। ये लेटर आपको दिख रहा होगा, उसका लिफाफ भी है, रजिस्टर्ड कोर्ट से ही मिली है। बाकी जो कथानक है पत्र का, वो वही है जो पहले उनके उनके निजी आवास में प्राप्त हो चुका है। उसमें कुछ नया नहीं है, वही सारी बातें कही गई हैं जो पहले से चर्चा में है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अब घर पे पहले ही साथ ही पोस्ट किया गया था लेकर, अब ये घर पे आके मिला है। बहरहाल मामला चूंकि एक जनप्रतिनिधि का है और बहुत चुन करके आए हुए जनप्रतिनिधि का है, एक महत्वपूर्ण विभाग वो देखते हैं, लिहाजा उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने इस वक्त सख्त कर दी है। इस वक्त वो रेडिसन ब्लू में कार्यक्रम में है और मैं देख रहा हूँ कि सुरक्षा कर्मी जो उनके हैं वो अलर्ट एंड अजाइल हैं और वो कार्यक्रम में बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद जब वो आएंगे, हालांकि उन्होंने अपने भाषण में उस बात का जिक्र नहीं किया कि उनको कोई धमकी दे रहा है या उनको किसी प्रकार का डर है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं मौत से लड़कर आया। कोरोना काल में जो कुछ हुआ था वो सब लोग जानते हैं, किस तरह से वो सूर्यस्त थे, किस तरह से उनको एयरलिफ्ट करके चेन्नई पहुंचाया गया, जो हालत उनकी, ये उनके अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था कि उन्होंने मौत को हरा दिया। तो ये बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं, इनको टाइगर कहा जाता था अपने इलाके में, आज भी कहा जाता है। और जाहिर है ये मोटरसाइकिल से घूम लेते थे, नक्सली एरिया में चले जाते थे, तो जाहिर है क्रियाशील व्यक्ति हैं, एक्टिव व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर कोई धमकी दे रहा है, अब उसके पीछे क्या रीजन है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है पता नहीं चलेगा। लेकिन जो भी हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त होनी चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शाहनवाज। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अब पहले बोकारो स्थित आवास में जो पत्र मिला था, अब रांची में भी एक पत्र मिला है उनको धमकी भरा, फिर से उन्हें धमकी दी गई है और अब उनकी सुरक्षा यहां बढ़ा दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।